हाय एवरीवन, माय सेल्फ गंधर्व वत्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंटअप परीक्षा 2022 का, ठीक है, जो भी फाइनल एग्जाम 2023 में होगा। लेकिन ये जो 2022 आपका ये जो आपका 11 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक का है, किसी का एग्जाम जो है कल है, मतलब 11 अक्टूबर को है, किसी का 12 को है, लेकिन सबका क्वेश्चन क्या होता है, SAME, मतलब क्वेश्चन सबका सेम होगा। तो आप लोग पूरा कंप्लीटली लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इस बार भी आपको 70 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पहले से आप लोग को पता, मतलब बहुत सारा चैनल बताया था नहीं 42 पूछेगा, इस बार 42 नहीं 70 पूछा है, 35 बनाना है आप सभी को। तो आप लोग को चलिए लेके चलते हैं तारोक शहर में। थोड़ा सा पैटर्न पहले आप लोग जान लीजिए, पैटर्न यही है, देखिए 70 क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है, 20 क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 20 क्वेश्चन क्या है 2 नंबर वाला है, और 6 क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। तो आपको इसमें 70 में कितना बनाना है, 35 बनाना है, ठीक है, 35 क्वेश्चन, 2 नंबर वाला में कितना बनाना है, 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन बनाना है, और 6 है तो 3 बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका चलेगा, टोटल 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और जैसे जूम किए तो पहला क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सिर्फ पढ़ के आपको बता देते हैं, लेकिन पढ़ के बताएंगे नहीं सब क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो कितना होगी, तो 5 डायोप्टर, कितना होगा 5 डायोप्टर। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इज प्लस 5 डायोप्टर। तो प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 5 डायोप्टर होगा। तो अभी ये नहीं हम लोग करेंगे कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, इसका यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो पूरा फुल सोल्यूशन तो हम लोग लाएंगे अभी, आप लोग एग्जाम में लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, खाली क्वेश्चन देख लीजिए, सेम है ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, बी, जल के कांच में, ठीक है, या वाटर इनटू ग्लास, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डिस्प्रेशन। चौथा नंबर क्वेश्चन का आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का भी सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का परिकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का परिकीर्णन आपका हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का भी आपका यहां पे देख लीजिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलता है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, सब्सक्राइब फ्री में होता है। और यहां पे आप लोग फिजिक्स का देख रहे हैं और सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में दे चुके हैं, वहां से वीडियो देखिए, यदि कोई डाउट है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोग क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम भी दिया गया है, वहां भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सेंटअप के बाद आपका फाइनल एग्जाम का पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे करवाया जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब बटन पे मारिए, ललका बटन होगा, और मन कीजिए दबा के हल्का, ठीक है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन का आपका एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, शून्य, जीरो, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, तो सातवां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, सातवां नंबर क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जीरो, शून्य, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आपका थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, कहे 35 क्वेश्चन की बताना है आपको, हम यहां पर 70 बता रहे हैं। देखिए नंबर नंबर पे आ गए, तो नंबर नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, वी डी इक्वल टू ई, ये देख लीजिए ई बड़ा ई, ठीक है, एम अपॉन ये टाइप से, ठीक है, आप देख लीजिए नाइन्थ का ए हो जाएगा। अब देखिए दसवां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, दसवां नंबर क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो प्रतिरोध, ठीक है, जीरो रेसिस्टेंस इंग्लिश में यदि बोले तो, सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन की ओर, ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिक्पात, ठीक है, दिक्पात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेसिनेशन, तो डेसिलिनेशन, ठीक है, समझ गए। तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा देखिए अभी रात में है, 2 बजे वीडियो बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा नींद टाइप से लग रहा है, समझ रहे हैं इन बातों को, आप लोग का एक जुनून को देखते हुए, देखे जो बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट किया, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में अभी क्या हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, 12 नंबर क्वेश्चन का 16R हो जाएगा, डी आपका, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अभी वो अंतर। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, 16 का भी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का, 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चैनल को जरूर मारिएगा,
ललका बटन भी मन कीजिएगा हल्का, मतलब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 18 का आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का हम लोग देखते हैं, 19 का क्या हो जाएगा, 19 का भी आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है द पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल इज, ठीक है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का भी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का भी आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, 23 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए 23 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 24 का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 24 का भी आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, 25 का क्या हो जाएगा, 25 में चलते हैं, 25 का भी आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 26 का भी आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। 27 में क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 चलते हैं, तो 28 का क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं 29 में, 29 में क्या हो जाएगा, सी। 29 का आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब कुछ बनाया गया है, बहुत सारा मेहनत लगा है, ठीक है। 3 से 4 घंटा में सॉल्यूशन हुआ है, तब जाकर आपको हम बी सी डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और पीडीएफ भी दिया जाएगा आपको, इसका भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से ले सकते हैं इसका भी पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट का। लेकिन आपको पढ़ना है फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी फ्री में करवाया जाएगा इस चैनल पर, तो आप लोग अभी से बने रहिएगा तब ना फ्री होगा, दोस्तों को भी जोड़िए आप लोग, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का कहता है डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 31 का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 32 का क्या हो जाएगा आपका, 32 का हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 33 नंबर की ओर चलते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या कह रहा है, तो 33 भी आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 24 वाट बोलिए, ठीक है। आपका आ रहा है कितना है, 33 था, हाँ। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 35 की ओर, तो 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 35 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 का बी इज द करेक्ट आंसर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर, 37 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, 37 का भी आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहता है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 39 का क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 41 नंबर पे चलते हैं, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी चुंबक क्षेत्र बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन हो तो, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका बी इज द करेक्ट आंसर, एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बी एच, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, तो 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 43 का भी क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर, 44 का क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 का डी डायमंड मतलब हीरा, ठीक है। 45 की ओर चलते हैं, 45 का क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका, असिस्टेनेशन, ठीक है, अस्टिगेशन, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है, ठीक है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 47 के पर चलते हैं, 47 का हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 48 पर चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 का सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपका चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 का ये बी क्या हो जाएगा, घटता है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 51 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 52 का भी आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, 53 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18A, ठीक है। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर, 54 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 54 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ए इज द करेक्ट आंसर, 25 वाट, ठीक है।
चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर वोल्टमीटर द्वारा, ठीक है, ए वोल्टमीटर, ठीक है। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, तो 56 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा धुंधला है आप लोग देख लीजिए, ठीक है, 56 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का देख लीजिए, 57 का क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायनेमो, ठीक है। 57 का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, डायनेमो, ठीक है। 58 का देखते हैं, 58 का भी आपका क्या हो जाएगा, बी इज द वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर 58 का। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 60 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन यदि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये आपका होगा डी इज द करेक्ट आंसर, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, बामर सीरीज, बालमर होता है, पासन होता है, लायमन होता है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, पढ़ाया गया है ए टू जेड। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्यों, क्योंकि सब्सक्राइब करना है फ्री और पढ़ना है पूरा हमेशा जिंदगी भर इस चैनल के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको 12th फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा, तो एक ही चैनल है इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, रैंकर्स BSEB, ठीक है। तो अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, तो 62 का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, 62 का क्या हो जाएगा, 62 का आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 63 पे चलते हैं हम लोग, 63 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 100 HZ, ठीक है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 64 का क्या हो जाएगा, बी न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 65 पे चलते हैं, तो 65 का आपका क्या हो जाएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर, 66 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 66 का भी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 66 का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर, 68 का आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 68 का हो जाएगा क्यूरी, ठीक है, क्यूरी, सी इज द करेक्ट आंसर। 69 पे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डेसिबेल में, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ए बैड कंडक्टर कुचालक जैसा। तो अब आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्जेक्ट का आपको कहां से मिलेगा तो आपको बता देते हैं एक बार, ठीक है। तो आप सभी को कहां आना है, आप सभी को गूगल पे आ जाना है, ठीक है, कहीं ना आना है, आप सभी को गूगल पे आना है और सर्च, देखिए गूगल पे जैसे आप लोग आते हैं, आप लोग को सभी को सर्च कर लेना है रैंकर्स BSEB, ठीक है, इस टाइप से। एक बार थोड़ा सा हम लोग गूगल पे चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है और यहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन यहाँ से ले सकते हैं। गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे रैंकर्स BSEB को, ठीक है, रैंकर्स BSEB, थोड़ा सा नीचे आएंगे, रैंकर्स BSEB आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद हम सभी को नीचे आना है, ठीक है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का लेना है, यहाँ पे हम लोग को सर्च बटन पे यहाँ पे सर्च करके हम लोग सब्जेक्ट का ले लेंगे, ठीक है, या हम लोग को आ जाना है नीचे, नीचे जैसे आप लोग आइएगा तो एक वायरल क्वेश्चन का आपको सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, सेंटर ऑफ एग्जाम का फिजिक्स का, सेंटर ऑफ एग्जाम फिजिक्स का, नीचे में सब्जेक्टिव है फिजिक्स का, ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।